दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी जो है टेक्नो का मोबाइल है और आपके मोबाइल में जो है एड्स आते हैं, जैसे आप लोग अपने मोबाइल को चलाते हो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो है एड्स आ जाते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। अगर आपके मोबाइल में भी एड्स आते हैं तो इस वीडियो में आपको जो बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल में जो है एड्स को हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। इस वीडियो में आपको जो है कुछ सेटिंग के बारे में बताऊँगा, वो सेटिंग आपके मोबाइल में आपको जो है कर लेनी है तो आपके जो एड्स आते हैं आपके मोबाइल में वो हमेशा के लिए जो है बंद हो जाएंगे और कभी भी आपके मोबाइल में फिर एड नहीं आएगा। तो कौन सी सेटिंग है, कैसे ऑन करना, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी मोबाइल की जो सेटिंग है दोस्तों उसको आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है नीचे नीचे आना है। तो आप लोग यहाँ पर जैसे नीचे नीचे आओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक सेटिंग दिखाई देगी, आपको यहाँ पर जो है गूगल नाम से, तो आपको जो है गूगल वाली सेटिंग मतलब यहाँ पर आपको जो है गूगल पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने गूगल पर जो है क्लिक कर दिया। अब जैसे आप लोग यहाँ पर जो है गूगल पर जो है क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा, इस तरह का जो है यहाँ पर सेटिंग आ जाएंगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों नीचे एड्स का ऑप्शन, यहाँ पर एड्स का, तो आपको जो है इस एड्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऊपर, पहला है रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी और दूसरा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। तो आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी पर आपको क्लिक करना है और आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है और इस आईडी को यहाँ से जो है डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये वाला काम करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन, तो आपको जो है मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाटा एंड प्राइवेसी का, तो आपको जो डाटा एंड प्राइवेसी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, जैसे आप लोग इसको ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पर जो है दोस्तों नीचे का ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनलाइज्ड ऐड का। यह आपके मोबाइल में जो है पर्सनलाइज्ड ऐड जो है ऑप्शन जो है एक सेटिंग है वो आपके मोबाइल में ऑन हुई होगी, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में जो है गूगल बार बार एड्स जो है भेजता है, एड्स आपको दिखाता है। तो आपको इस सेटिंग को जो है बंद कर लेना है। ये सेटिंग आपको यहाँ पर दिख रही है, मेरे मोबाइल में भी ऑन है, इसको आपको जो है ऑफ कर लेना है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है माई एड सेंटर का ऑप्शन, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ऊपर दिख रहा है पर्सनलाइज एड्स आपके मोबाइल में जो ऑन हुई होंगी, जैसे मेरा में ऑन है, तो आपको जो इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है टर्न ऑफ का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके इस सेटिंग को जो है ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑफ कर ली, जैसे आप लोग इसको ऑफ कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है बैक आ जाना है, आपको बिल्कुल सेटिंग को से बाहर आ जाना है। सेटिंग को बाहर आने, सेटिंग से बाहर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट सेटिंग क्या करनी है, आपको यहाँ पर जो है क्रोम को ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर को। तो अपन मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन कर लिया। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ एक एरो का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको जो है इस एरो पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है नीचे का ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स का, तो आपको जो है सेटिंग पर जाना है, सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा ऊपर करना है इसको, जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक सेटिंग दिखाई देगी साइट सेटिंग्स के नाम से, तो आपको जो है साइट सेटिंग्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब मैं आपको बताऊँगा जो ऑप्शन बताऊँगा वही आपको ऑन करना, मतलब जो जो सेटिंग ऑन करनी है वही आपको ऑन करनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दिख रहा है कुकीज़ का एक ऑप्शन, कुकीज़ का, तो आपको जो है कुकीज़ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है फोर्थ नंबर पर ब्लॉक ऑल कुकीज़, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये वाला फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है ब्लॉक ऑल कुकीज़ का। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो इसको थोड़ा सा ऊपर करना है तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा एड्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसको आपको यहाँ पर जो है एड्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस एड्स को आपको यहाँ पर जो है ऑन कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो है एक भी ऐड नहीं आएगा। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, और आपको मैं बता देता हूँ कोई और सेटिंग है तो और कोई सेटिंग नहीं है, बस आपको दोस्तों ये वाली सेटिंग्स कर लेनी है अपने मोटिंग बताई वो सारी, तो आपके मोबाइल में जो भी एड्स आते हैं वो जो है एड्स आना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल में जो है एड्स को हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। अब आपके मोबाइल में जो है कोई भी एड्स नहीं आएगा। अगर इसके बाद भी कोई एड्स आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।
दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।